इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर के एक मकान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर मौके से 6 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मकान में कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। फिलहाल पकड़ी गई युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 युवतियों व एक युवक को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रजापत नगर में सुभाष नामक व्यक्ति के मकान में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है और दिन रात यहां युवकों का आना जाना लगा रहता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर मकान पर दबिश दी तो कमरे में से 6 युवतियां और एक युवक संदिग्ध हालत में मिला। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा सेक्स रैकेट एक महिला के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं रैकेट को चलाने वाली महिला की भी जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही पुलिस ने मकान में कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि प्रजापत नगर में एक कोई सुभाष चौधरी नामक व्यक्ति हैं, उनके निवास स्थान पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिनमें कुछ पुरुष और महिलाएं लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस सूचना के आधार पर हमारा स्टाफ के वहाँ पर जाकर, जो पुलिस की कार्यप्रणाली रहती है उसके तहत जाकर हम लोगों ने वहाँ पर रेड किया, तो जो वहाँ पर 6 महिलाएं और एक पुरुष अवस्था में मिले, तो उनको यहाँ पर उनको गिरफ्तार करके और लाया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो संचालिका हैं उनके विरुद्ध पूर्व में एक आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ है। अब ये इसके बारे में इनका आपराधिक रिकॉर्ड और खंगाला जा रहा है और इनकी बैक हिस्ट्री भी देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।